खबर रीवा से है, जहां सोशल मीडिया में वायरल हो रही न्यूज का पुलिस विभाग ने खंडन किया है। दरअसल पुलिस विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उक्त मामले का खंडन किया है। पुलिस ने बताया कि 27/8/24 को एक महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने बेटी के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में सगे संबंधियों द्वारा वायरल करने पर किशोरी द्वारा अपनी छत से छलांग लगा दी है, ऐसी शिकायत की थी, जिसकी रिपोर्ट महिला ने पूर्व में थाना चुरहटा में की, परंतु उस पर कार्यवाही नहीं की गई। आरोप लगाया उक्त न्यूज सोशल मीडिया में वायरल हो गई। जब वरिष्ठ अधिकारियों ने थाना चुरहटा पुलिस द्वारा उक्त संबंध में रिकॉर्ड चेक कराया गया, तो वायरल हो रही न्यूज से संबंधित महिला द्वारा 21/8/24 को थाना चुरहटा में उपस्थित होकर आवेदन पत्र दिया था। आवेदक सूरज त्रिपाठी के विरुद्ध 7 मोबाइल नंबरों का उपयोग कर धमकी देने संबंधी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस संबंध में थाना चुरहटा द्वारा उक्त प्रस्तुत आवेदन पत्र की जांच साइबर सेल रीवा की मदद से की जा रही है। जो आवेदन पत्र जांच में है तथा आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कोई अश्लील वीडियो या फोटो वायरल एवं किशोरी द्वारा छत से छलांग लगाने से संबंधित कोई भी शिकायत थाना चुरहटा में नहीं दी गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदक महिला द्वारा शिकायत करने के उपरांत महिला थाना प्रभारी द्वारा महिला से फोन पर संपर्क किया गया तथा बच्ची और आवेदन महिला से मिलकर मामले की जांच के लिए बोला गया, जिस पर आवेदक महिला द्वारा दोपहर मिलने के लिए कहा गया था। तभी तक महिला द्वारा अश्लील वीडियो या रील वायरल संबंधी कोई आवेदन थाने में नहीं दिया गया। जाँच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कुल मिलाकर पुलिस का कहना है कि महिला जो आवेदन दी थी उसकी जांच की जा रही है। उक्त शिकायतकर्ता महिला के द्वारा छत से कूदने, अश्लील वीडियो वायरल करने संबंधी कोई दस्तावेज साक्ष्य पुलिस को नहीं दिया है, जैसा कि उसके द्वारा मीडिया के सामने बयान दिया गया है। कल एक महिला आई थी, उन्होंने एक शिकायत की है कि उनकी बहन की लड़की और उनकी बच्ची साथ ही में उनके घर पे रहती थी और किसी कारणवश पारिवारिक परेशानी हुई, उन्हीं को अपनी जो बहन के बच्चे हैं उनको उन्होंने अपने पास से अलग कर दिया। इस बात से रुष्ट हो करके उनकी बच्ची जो है उनका कोई वीडियो जो है आपत्तिजनक वीडियो बनाना की शिकायत की है। ऐसी ये उनको एक संभावना है कि उसने वीडियो बनाया है, जिसकी वजह से लड़की थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान है और उसने कूदने का भी प्रयास किया है, ऐसा उसने एक शिकायत की है। इस शिकायत पर उसकी जांच के लिए और कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी महिला थाने को भेजा गया है और उनके महिला थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि इसमें जो वैधानिक कार्रवाई होती है करें। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।